नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 4 जनवरी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इस चैनल के माध्यम से यदि आप चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक, दशरथ मौर्य, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट है सन्निकट तिथियाँ, ऑप्शन सेकेंड है सुनिश्चित तिथियाँ, ऑप्शन थर्ड है स्थिर तिथियाँ, ऑप्शन फोर है कोई तिथि नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सन्निकट तिथियाँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार सन्निकट तिथियाँ हो सकती हैं। सन्निकट तिथियों से तात्पर्य लगभग से है, इससे एक समझ विकसित हो जाएगी जो आगे की कक्षाओं में सुनिश्चित तिथियों के लिए मार्गदर्शक होंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 34 की बात करेंगे। मंदिर के बारे में दिए गए ए कॉमा बी और सी वक्तव्यों पर विचार का सही उत्तर का चयन करें, तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए कॉमा बी और सी सही है यहाँ पर, तो ये सभी जो ऑप्शंस है राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, 35 क्वेश्चन नंबर है। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था, तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सी और डी सही ऑप्शन है। दोस्तों इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए, ऑप्शन डी। तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम ये बात करेंगे, 36 है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए, अभिकथन ए दिया गया है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, कारण आर है यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहाँ पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानीपूर्वक रखा गया था, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन फोर हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। मंडप था, मंडप क्या था दोस्तों, मंदिर का एक पवित्र स्थल था, एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सके, स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए, अभिकथन ये यहाँ पे दिया गया है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला, कथन आर है लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विष्णु। दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक अर्थात वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था, जबकि शिव की आराधना करने वाले शैव संतों को नयनार संत कहा जाता था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की, हरिदास ने की, ज्योतिदास ने की, घासीदास ने की, सूरदास ने की, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, घासीदास ने की, आप लोग ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज सुधारकों का एक समूह था जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का गठन किया था और इस आंदोलन की स्थापना और नेतृत्व बिलासपुर जिले के घासीदास ने किया था। घासीदास जी दलित परिवार में जन्मे थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब बनेगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है 41। क्वेश्चन नंबर, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि ऑप्शन ए है वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भू स्वामियों को ही आकर्षित कर पाए, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया, सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विकल्प सही होगा, केवल सी ऑप्शन सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। ऑप्शन ए है अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको देना है दोस्तों, इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है दोस्तों, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? ऑप्शन ए है अंग्रेजी संस्थाओं तथा वस्तुओं का बहिष्कार, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए तथा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चरमपंथी नेता अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तरीकों के रूप में ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, सक्रिय राजनीतिक आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 44 है दोस्तों, कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इस ऑप्शंस में से आपको सटीक आंसर का चयन करना है जो सही विकल्प है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था, ऑप्शन थर्ड सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 45 है, जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है, या स्थल संधि कहलाता है, या नहर कहलाता है, या खाड़ी कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट जल संधि। जल का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है जल संधि कहलाता है, और भूमिका सागर के बीच वह संकरा भाग जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है, कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए यहाँ पर दिया गया है, भारत में 82.5 पश्चिम देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। कथन बी है 82.5 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो सही जो ऑप्शंस यहाँ पर होगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ए गलत है बी सही है। तो यहाँ पर ए जो कथन है वो गलत है और कथन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 2 के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 67 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ए और बी सही है, जबकि सी गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है या 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं, पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ऑप्शन थर्ड है उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होगी, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हो जाएगा उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 49 यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, कथन बी है रेत और चट्टाने गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए गलत है और बी
सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन फोर सही जवाब बनेगा। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं क्योंकि आकाश साफ होने के कारण रेत और चट्टानें तीव्र गति से पार्थिव विकिरण करती हैं जिससे तापमान बहुत नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़। ऑप्शन सी है गिरवन एशियाई शेर, उपर्युक्त युग्मों में से सुमेलित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा फोर हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जंगली बकरी एवं हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, महोगनी और शीशम जैसे सदाबहार वर्षा वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, गिर वन एशियाई शेरों का घर है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। कारण आर है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्पन कहलाती है। कथन बी है आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों को की ओर घटती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही जवाब हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्पन कहलाती है। सूर्य के किरणों के तिरछेपन के कारण आत्पन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए यहाँ पे दिया गया है, आत्पन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण आर है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 का कोण बनाता है जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आत्पन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है यहाँ पर। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन ए है अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, अनु उपजाऊ मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल ए बी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन बी है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए सही है, बी गलत यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का समृद्ध पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, उस शहर का क्षेत्रफल, देश का जनसंख्या पिरामिड। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सेकेंड, केवल ए और बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। किसी शहर की जनसंख्या घनत्व को पढ़ाने के लिए दो मुख्य तथ्यों की आवश्यकता होगी, वह है उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, उस शहर का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है मिलेट, ऑप्शन सेकेंड है मक्का, ऑप्शन थर्ड है जूट, ऑप्शन फोर है कपास। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप लोग बताइए क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मिलेट। मिलेट अर्थात मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा की फसल का कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कपास के लिए काली मृदा की जरूरत होती है। जूट जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली फसल है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 58 की हम बात करेंगे दोस्तों। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लद्दाख इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
नाइन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर बनेगा, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। रूढ़िवादी धारणा क्या होती है दोस्तों, कि लड़के उद्यमी शरारती शारीरिक रूप से मजबूत तथा खेलों में अच्छे होते हैं, परंतु यह बात कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं यह इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है। दिए गए ऑप्शंस में से ग्राम सभा क्या पंचायती राज से संबंधित है, विधानसभा, पंचायती पंचायत समिति या जिला परिषद। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ए सी डी, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायती राज से संबंधित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कथन बी है, राज्यसभा कोई भी विधान, कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पर, कपास जब रुमाल तौलिया बनता है तब वह केवल किससे गुजरता है, थोक बाजार से, साप्ताहिक बाजार से, मॉल से, बाजारों की श्रृंखला से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फोर, बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 63 है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है, फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। कथन बी है, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है, इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, फूलमती भूमिहीन मजदूर है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 64, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट मत दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट मत नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट मत नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। उपरोक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, महात्मा गांधी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। यह कथन महात्मा गांधी का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, एक पितृ सत्तात्मक समाज वह होता है जहां महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। ऑप्शन सेकेंड है, महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। थर्ड है, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है जीने का अधिकार, सेकेंड है समानता का अधिकार, थर्ड है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जीने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में ही स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। कथन बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन जो सही बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर सही, ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है, ये बात एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फोर, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह कानून के दायरे में नहीं आता है, दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों क्या बनेगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अगला ऑप्शन है
केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों ए बी गलत हैं, दोनों ए तथा बी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, दोनों ए तथा बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है। एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर चयन करना है सही आंसर क्या बनेगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा, झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एकदम राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों, ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऑप्शन बी है, इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग था, सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही ऑप्शंस हैं। इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग होता है, देखने के दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित होता है। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और बारीकी से सभी पहलुओं का ध्यान करते हुए निरीक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे दोस्तों छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फोर ऑप्शन हो जाएगा, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 है। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों, इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न प्रतिमान, क्षेत्रीय साझेदारी, स्थानिक अंतःक्रिया, केंद्रीय स्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्थानिक अंतःक्रिया। स्थानिक अंतःक्रिया एक ऐसी संकल्पना है जो किसी स्थान विशेष के महत्व को प्रदर्शित करती है। यहाँ कपड़ा निर्माण के संदर्भ में किसी स्थान विशेष की महत्ता बताई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर बनेगा दोस्तों, केवल डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाएं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, केवल ए और डी ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। भूगोल की कक्षा के आलोचनात्मक चिंतन हेतु निम्नलिखित प्रश्नों में बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध है, क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाएं? क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 नए पुराने चित्रों को दिखाती तथा वहां के एक स्थानिक बुद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। ऑप्शन बी है, अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात करना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी दोनों सही हैं। किसी स्थान के पुराने और नए 2 चित्रों को दिखाकर अध्यापिका भूगोल और इतिहास को एकीकृत करना चाहती तथा विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया को समझाना और आत्मसात करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 78। प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है यहाँ पर,
कथन ए है सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। कथन बी है सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतः सही होता है, तथापि एक गलत उत्तर हो सकता है, सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 78 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है यहाँ पे दोस्तों, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है। तो सबसे कम जो सहायक युक्ति है उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है डेटा आंकड़े इकट्ठा करना, बी है कविताएं, सी है कहानियां और घटना वर्णन, ऑप्शन डी है केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4 ABCD, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे, सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, संगत स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 83, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बाबरनामा मेमोयर्स ऑफ बाबर। बाबरनामा मेमोयर्स ऑफ बाबर की रचना बाबर ने स्वयं उस समय की चीज़ों का अनुभव करके की थी, यह एक प्राथमिक स्रोत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 85 है, सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि विषयों को बांटकर बाकी काम समूह पर छोड़ दें, प्रस्तुतिकरण देकर छात्रों को अंक दें, समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें, समूह को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 85 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन राइट जवाब बनेगा दोस्तों। सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका रहती है कि वह समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें और समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर अगला 86 है यहाँ पर, आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे, गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई, आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं, पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों की किस योजना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है तुलनात्मकता का, या व्याख्यात्मकता का, कल्पनाशीलता का, या तार्किकता का। तो क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन 3, कल्पनाशीलता का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है। ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक है, पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायता है। तो यहाँ पर 87 का जो आंसर होगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौलिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे, उपयुक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है। याद रखने की प्रक्रिया, प्रयोग की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मूल्यांकन की प्रक्रिया। निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे, इस कथन में मूल्यांकन की प्रक्रिया का संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 89 है, निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित है। तो 89 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन सही जवाब बनेगा दोस्तों।
बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में मूल्यांकन प्रक्रियाओं में निम्न पहलू उल्लिखित हैं। बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर पंक्तियों में लिखिए कि आप इस परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी स्थिति के बारे में कल्पना करके निष्कर्ष निकालना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 60 क्वेश्चंस अपने SST के इस क्लास में सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।